बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारे बहन भाई? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, ज़िंदगी में कोई दुख और गम परेशानी ना आए, अल्लाहुम्मा आमीन। ये कल मैंने आधी वीडियो अपलोड की थी और आधी बच गई थी, आज आधी आज भेज रही हूँ। देखें परस तरह तरह के लगे हुए हैं, ये मेकअप का सामान है, लिपस्टिक और पेंसिलें और ये बेस वगैरह। जिस किसी ने लेना हो ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए पर्स लगे हुए हैं, जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो बेचने वाले जो बैठे होते हैं वो पूछ रहे थे कि किसी को पसंद आया वीडियो में पर्स। मैंने कहा नहीं, फिलहाल तो अभी किसी ने नहीं देखी वीडियो। बहुत ही वैरायटी है, बहुत ही हर तरह के पर्स हैं। तरह तरह के कलर और तरह तरह के पर्स। ये छत पर अब हम जा रहे हैं, छत पर भी जूती वगैरह थी। दो दो दुकानें बनी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी, नीचे ऊपर बन के 3 फ्लोर। यही इंसान को कारोबार करना चाहिए, बहुत ही चल रहा है। जहाँ भी गए हैं दुकानों में रश ही था, जिस साइड पर रश था उस साइड पर तो मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कोई एतराज़ ना करे। ऊपर नीचे दुकानें चल रही थी, रश लगा हुआ था। ये अब साबुन वगैरह पड़े हैं, ये शैम्पू हैं बच्चों वाले, बॉडी स्प्रे और क्रीमें। तिब्बत क्रीम भी कोई लगाता है? ये परफ्यूम है, ये कलर हैं वाल डाई, जो बाल डाई करते हैं उनके शेड हैं कलरों के। ये बच्चा है जो चीज़ें उठा कर दे रहा था। यहाँ भी जूतियाँ पड़ी हैं, एज किड्स लिखा हुआ है। ऐसे मैं तो 5-6 जमातें पढ़ी हूँ, इतनी तो नहीं पढ़ी हुई, इसलिए कभी कभार वीडियो में लिखने में मुझे वो हो जाती है, कोई अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। और जो थंबनेल कभी कभार बनाती हूँ वो तो मेरी वीडियो पर लगते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लगते। जो भी पिक्स वगैरह बनाऊँ ना तो वो सेफ ही नहीं होती, तो इसलिए मैंने बनाना ही छोड़ दिया। हालांकि मुझे इतनी बनाना नहीं आती, कभी कभार भांजी से बनवा लेती हूँ तो वो भी नहीं लगती। पता नहीं ये मोबाइल सही नहीं है, हाँ मोबाइल शायद सही नहीं होगा। ये फनूस वगैरह और झूमर वगैरह जिन्हें कहते हैं, ये लगे हुए हैं, मुझे तो प्यारे लग रहे थे। इस दुकान पर हम गए हैं रात के तकरीबन 9 बजे, सभी नमाज़ पढ़ रहे थे, बस यही फनूस की मैंने वीडियो बनाई और वापस आ गए। ये है दही बल्लों वाली दुकान, यहाँ पर दही बल्ले और गोलगप्पे लगे हुए हैं और बर्गर भी था। ये हैं दही गोलगप्पे, 2 प्लेटें हमने ली थी, साथ में मीठी चटनी थी और मसाला तो इतना तेज़ था, इतना तेज़ बात ही पूछें। ये खट्टा पानी टाटरी वाला, ये है बर्गर, बर्गर भी इतनी मज़े का नहीं था। उसके साथ जो रहता है ना साइड में और जो है वो अच्छी नहीं थी। यहाँ पर कपड़े लगे हुए हैं, टमाटो केचप भी सही नहीं थी। ये रेडीमेड सिले सिलाए कपड़े हैं, प्यारे हैं वैसे, लॉन कॉटन के हैं, गर्मियों के हिसाब से कुछ तो रेशमी है
और कुछ। ये हमारा अमरूद का पौधा, अमरूदों में लग गए हैं कीड़े, ख़राब हो गए हैं अमरूद सारे के सारे, नीचे देखें गिरे हुए हैं खुद ब खुद पककर। ये जो बूटी भी थी वो भी भाई ने काट दी है, गुलाबी फूलों वाली, काफ़ी उसने घेरा हुआ था इस अमरूद को, इसलिए उसको भाई ने काट दिया है। अभी अमरूद भी ख़राब हो गए हैं क्योंकि सावन का महीना आ गया है, सारे के सारे कीड़े पड़ गए हैं, बहुत ही बिल्कुल बेकार हो गए हैं। देखिए सारे फेंक रही हूँ, फजूल और बेकार हो गया है अमरूद हमारा। पहले पक जाता तो खा लेते, पहले कुछ तो पका आधा, बाकी आधा रह गया था और आधा अब ख़राब हो गया है, आधे से भी ज़्यादा फल ऊपर था, अब ज़ाया हो गया है सारा। पिछले मंगल जो बारिश हुई है ना, इस वजह से सारा ख़राब हो गया है, बारिश की वजह से सारा अमरूद ख़राब हो गया है, कीड़े वगैरह पड़ गए हैं। आज वैसे तारीख तो है 1 अगस्त की है, और ये हमारे डॉग देखे कैसे पड़े हुए हैं, जैसे खरगोश लेटा हुआ होता है ना वैसे ही लेटे हुए हैं, ऐसे ही सोते हैं, जब भी सोते हैं ऐसे लेट कर। और यहाँ देखिए चिड़ियों ने शोर मचाया हुआ है, ऊपर ऊपर सारी दरख्त के ऊपर ऊपर बैठी हैं। ये मैंने दूर से वीडियो बनाई है, इतनी साफ तो नहीं आई, दरख्त के ऊपर सारी चिड़ियाँ बैठी हैं, बीच में नहीं बैठी, आखिरी टहनी पर बैठी हैं। ये मेरी हमसाई का घर, सभी बाहर घूमने फिरने गए हैं, सुबह की वॉक करने गए हुए हैं। और ये मैंने जूती ली थी कैंट से 800 रुपए की। ये बच्चे अभी सो रहे हैं मेरे, सुबह सुबह का टाइम है,